भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन साहब जी मिले आकाश के परिजनों से, मदद का दिलाया भरोसा, दलितों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। फिरोजाबाद जनपद में आकाश की मौत का मामला सुर्खियों में है। आकाश की मौत के बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था, तभी से राजनैतिक हलचलें भी तेज हो गई। मायावती और अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर घटना की निंदा की थी। बुधवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन साहब जी ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन को चेतावनी भी दी। जानिए क्या थी पूरी घटना। फिरोजाबाद थाना दक्षिण नगला पचिया में रहने वाले आकाश जाटव 18 वर्ष पुत्र वीरी सिंह जाटव को थाना पुलिस ने चोरी के बाइक के आरोप में 17 जून को शाम 5 बजे घर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने 19 जून को आकाश जाटव को जेल भेज दिया। इसके बाद 21 जून को यानी शुक्रवार सुबह आकाश की मौत की खबर जेल प्रशासन ने दी। मौत की खबर सुनकर परिजन सन्न रह गए और आक्रोशित होकर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। सुबह से ही भीड़ पीएम हाउस पर एकत्र हो गई। आकाश की मौत के मामले में बुधवार को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मृतक के घर पर पहुंचे, जहां इन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बांधते हुए इनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद या एसपी सिटी सर्वेश कुमार के कार्यालय पर उनसे जाकर मिले, जहां इन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए हत्यारोपियों की जानकारी कर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द हत्या का खुलासा न होने पर आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि आकाश के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए वह पूर्ण प्रयास करेंगे, इसके लिए उन्हें कुछ भी कहना पड़े। दलितों के साथ ये बर्बरता क्यों, क्या वो इंसान नहीं है? प्रशासन बताए इस मामले में बेगुनाहों को ना तो सताया जाए, सही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार के मुआवजे को भी बढ़ाया जाए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना बने सपोर्ट करें। जब हम लोगों ने न्याय की मांग की है, तब तभी प्रशासन ने सरकार के लोगों ने मिलकर के हमारे न्यायप्रिय आंदोलन को दंगे में बदलने का प्रयास किया है। और इसमें भी यही हुआ है, इसमें भी यही हुआ है कि यहाँ पर भी अधिकारों की मांग करते, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई उसकी मांग करने के चक्कर में प्रशासन और सरकार ने मिलकर के यहाँ पर दंगा प्रायोजित किया है, लाठी चार्ज किया है। वरना पीड़ित के साथ लाठी चार्ज नहीं होता, पीड़ित के साथ तो संवेदनाएं होती है, जिसके घर से बच्चा चला जाता है। तो मैं मीडिया वालों से यही कहूंगा कि आपका शुक्रिया जो आप एक गरीब शोषित वंचित के अधिकारों के लिए भी आंख खड़े हैं। अदा जी अभी आपने कहा है कि हम भैंस बकरी लेकर अपने चारे को बैठेंगे वहाँ, ये कब तक की लेंटी उन्होंने दिया आपने? भाई अभी तो आज जाकर मैं इसके बाद यहाँ के कलेक्टर और एसएसपी से पहले एक बार बात करूँगा भाई क्या उन्होंने अब तक किया है, क्या रूपरेखा है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल टीम भी साथ ही है। उन्होंने बताया है कि न्यायिक जाँच चल रही है, उसका टाइम प्रोसेस होगा, जैसे ही टाइम प्रोसेस के बाद हमारे पास सूचना आती है और लगता है कि नहीं अभी भी गलत हो रहा है तो ये किया जाएगा। दूसरा कि जो लोग इनके झूठे नाम लिखे गए हैं, मैं जाऊंगा जाकर के वीडियो फुटेज पाऊंगा, आप मुझे दिखा दीजिए, अगर मैं भी उसमें हूँ तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके मुझे भी जेल भेज दीजिए, या जो भी व्यक्ति आग लगाने में शामिल है और उसकी फुटेज है वो जेल जाना चाहिए, क्योंकि आग लगाने में समर्थन नहीं है। लेकिन हाँ, जो निर्दोष लोग यहाँ फंसाए गए हैं, जो कई सौ लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप आकाश के परिजनों से मिले हैं, उसके पिताजी से मिले हैं, पिताजी ने क्या आपसे अपनी संवेदना की है, क्या आप कहना चाहेंगे? पिताजी पहले तो इतने दुखी हैं कि वो सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन्होंने सिर्फ दो बातें मुझे कही कि तो जो लोग निर्दोष जेल गए, जो इस आंदोलन में थे, यहाँ न्याय दिलाने आए थे, पुलिस ने उनको निर्दोष को जेल भेज दिया, उनको प्रशासन विलंब छोड़ने का काम करें। दूसरा वो ये चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से महिलाओं पर आकाश जाटव की जो माता जी है, हमारी माता जी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे कौन पुलिस वाले हैं जो लाठीचार्ज कर दे रहे हैं? यहाँ परिजनों ने बताया कि आकाश की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, जब वो ठीक है उसकी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला? देखिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग भेजे गए हैं, डॉक्टर से पता करेंगे क्या कंडीशन है, छुट्टी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं वो प्रशासन के दबाव में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो हम इतने ताकतवर तो हैं कि अपनी बहन की छुट्टी करा के ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं।